आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि आप कैसे क्लास 10th पास कर सकते हैं और कैसे क्लास 12th पास कर सकते हैं। ये वीडियो उन सभी छात्र छात्राओं के लिए है जो 10वीं फेल हो चुके हैं, 12वीं फेल हो चुके हैं, 11वीं फेल हो चुके हैं, 8th 9th की पढ़ाई नहीं करी, 5th की पढ़ाई नहीं करी, एडमिशन अभी तक कहीं पर नहीं लिया है, तो वो कैसे और किस प्रकार से 10वीं की परीक्षा पास कर 12वीं की परीक्षा पास कर अपने मन चाही सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम को फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। वो सारी डिटेल मैं आप सभी को बताने वाला हूँ जिसका प्रयोग करके आप आसानी से और बिल्कुल सही तरीके से, जेन्युइन तरीके से आप क्लास 10 और क्लास 12 पास कर सकते हैं, वो भी बहुत ही नाम मात्र की फीस पर। और एक बात और मैं बता दूं दोस्तों, ये वो इंस्टीट्यूट है जो पूरी तरीके से मान्यता प्राप्त है, भारत सरकार द्वारा चलाया जाता है और ये ओपन स्कूल के मामले में सबसे बड़ी संस्था है पूरी दुनिया में। तो चलिए बात कर लेते हैं वो कौन सा इंस्टीट्यूट है, वो कौन सी संस्था है जिसके माध्यम से आप 10वीं 12वीं पास कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप स्क्रीन में देख सकते हैं, हम बात कर रहे हैं दोस्तों NIOS यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान की। जी हाँ, इस शिक्षा संस्थान के द्वारा, इस संगठन के द्वारा, इस माध्यम से आप जो है आसानी से क्लास 10 और क्लास 12 जो है पास कर सकते हैं बहुत नाम मात्र की फीस पर। तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं कि आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं, फॉर्म कैसे फिल करना है, वो सारी चीज़ें जिसके माध्यम से आप क्लास 10 और क्लास 12 जो है पास कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको NIOS की वेबसाइट खोलनी है, इस तरह से जो है आपको एक इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। उसके बाद ठीक है, अबाउट अस इनके बारे में है, प्रोग्राम्स कौन कौन से चीज़ें जा रही है, देखो प्रोस्पेक्टस भी आपको यहाँ मिल जाएगा, मैं आपको एक बार प्रोस्पेक्टस दिखा देता हूँ दोस्तों। तो देखो यहाँ पर जो है ये इनका एकेडमिक कोर्स जो है यहाँ पर दिखाया गया है, ये प्रोस्पेक्टस यहाँ पर दे सकते हैं, ये किस चीज़ का है, ये एकेडमिक कोर्स प्रोस्पेक्टस 2021-22 ठीक है, ये 2021-22 का यहाँ पर उर्दू माध्यम है। सेकेंडरी कोर्सेज के लिए सारे प्रोस्पेक्टस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं ओपन बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम जो है अडल्ट 2022-23 जो है अबव 14 ईयर्स ग्रुप के लिए है, ऑन बेसिस ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम चिल्ड्रेन ये 6-14 ईयर्स अगो के ग्रुप के लिए। तो कुछ नोटिफिकेशन कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा और आप प्रोस्पेक्टस भी इसका पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, फीस कितनी लगेगी, कौन कौन से कोर्स जो है प्रोवाइड किया जाता है NIOS के द्वारा, वो सारी चीज़ें आपको इसी वेबसाइट पर मिल जाएंगी। आपको किसी भी चीज़ की किसी भी दूसरे पर्सन की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं से ये सारे फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप सबसे पहले देख सकते हैं हम, ठीक है यहाँ पर होम पर आएंगे दोस्तों, तो होम पे यहाँ पर देख सकते हैं स्ट्रीम 2 में पंजीकरण शुरू हो चुका है जिसके आवेदन की अंतिम तिथि 7 अगस्त वो निकल चुकी है। ओबे मैं आपको बताऊँ, ओबे मतलब होता है ऑन डिमांड एग्ज़ाम, भी यहाँ पर भरे जा सकते हैं। आप अगर 10वीं में किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं या आपके कम नंबर आए हैं या कंपार्टमेंट आ गई है या क्लास 12th में कम नंबर आ गया, कंपार्टमेंट आ गई है, तो आप NIOS के माध्यम से ऑन डिमांड एग्ज़ाम करा सकते हैं, ले सकते हैं और पास हो सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का सवाल ये रहता है सर NIOS की डिग्री मान्यता प्राप्त नहीं है, NIOS से करने से हमें नौकरी नहीं मिलेगी, NIOS से करने से हम किसी संस्था में एडमिशन नहीं ले सकते, तो बिल्कुल बात गलत है। NIOS जो है दोस्तों भारतीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा अप्रूव्ड है, ठीक है UGC से भी अप्रूव्ड है, उसकी डिग्री मान्यता प्राप्त है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप जिस संस्था से पढ़ाई कर रहे हैं वो संस्था बिल्कुल जेन्युइन 100% आपकी योग्यता के काम करेगी सारी चीज़ें। ये सारी चीज़ आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं आपको एक बार इसमें देते हैं लेके, यहाँ पर देखिए। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ देखिए यहाँ कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, एडमिशन ऑनलाइन कोर्स मटेरियल आपको मिल जाएगा, ठीक है एग्जामिनेशन रिजल्ट चेक कर सकते हैं, यानी पूरा इनका क्या है, ये वेबसाइट है जो आपको आसानी से आप खुद इसको क्या कर सकते हो, चला सकते हो, उसको यूज़ कर सकते हो, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर एडमिशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कुछ ऑप्शन है, एक एडमिशन का है, दूसरा ऑन डिमांड एग्जामिनेशन का है। ऑन डिमांड एग्जामिनेशन मैंने आपको बता दिया, ऑन डिमांड एग्जामिनेशन वो एग्ज़ाम होता है जिसमें आप डिमांड करके NIOS से कहते हैं कि हमें पेपर देना है और इस तिथि को पेपर देना है और
उसे ऑन डिमांड कहा जाता है, अगर आपके किसी सब्जेक्ट में कम नंबर आए हैं या